कौटिल्या बलरामपुर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखो बच्चों, आज है 26 नवंबर। आज ही के दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मअर्पित किया गया था। आप जानते हैं कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने बड़ी मेहनत और मंथन के बाद भारतीय संविधान को एक जो है आकार दिया, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। उन महिलाओं के नाम आपने देखा होगा, सुचिता कृपलानी, जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने महिलाओं को एक साथ लेकर कार्य किया। आपने नाम सुना होगा बिलायुदन का, उन्होंने लिंग भेद इसको जो है उन्होंने समाप्त करने की वकालत की थी, कोई लिंग भेद ना हो। आपने नाम सुना होगा एनी मस्करनी का, उनका भी ये मानना था कि जो बहुत ज़्यादा गरीब दुबले हैं या बहुत ज़्यादा हीन भावना से ग्रसित हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। आपने मुस्लिम महिला का नाम सुना होगा, उन्होंने भी ये ध्यान दिया था कि पंथ निरपेक्ष यानी धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। बेगम अयाज रसूल जिसका नाम था, उन्होंने ये काम किया था कि पंथ निरपेक्ष यानी कोई भी धर्म, सर्वधर्म सर्वभाव हो, ये भारत है। लगातार 75 वर्षों से आपका संविधान लागू हो गए और तब से आपने देखा होगा कि बहुत से कार्य किए हैं, हमारे देश में विशेष उन्नत हुई है। हमारे साथ 50 संविधान उस समय लागू हुए थे, वहाँ आज भी जितनी भारत ने प्रगति की वो नहीं किए हैं। आप चाहे पाकिस्तान ले लो, चाहे आप बांग्लादेश ले लो, चाहे आप जो है इधर श्रीलंका ले लो, वहाँ पे देखो कोई संविधान का विशेष माने नहीं रखता है। लेकिन भारत आज 18वीं लोकसभा बीत चुका और उसके बावजूद देखिए एक गरिमामय जीवन बीते। आपने नाम सुना होगा जो हमारी कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में विजय लक्ष्मी पंडित महासभा में पहली महिला जिन्होंने किया था महिलाओं के लिए, और एक ये गौरव की बात है, उन्होंने ये काम किया, ये संविधान बना। आपने देखा कि ये संविधान के वजह से ही, यानी आपने देखा होगा कि हम कहते हैं कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, डैश डैश आज 26 नवंबर 1949, मित मार्ग शुक्ला सप्तमी सन 2006 विक्रमी को अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है। ये भारतीय संविधान की वो है। भारत का संविधान लागू होने के बाद आपने देखा कोरोना आया, भारत ने लगभग 100 देशों को जो है दवाई सप्लाई की, बड़े लगभग 80 करोड़ लोगों को इन्होंने क्या किया, राशन दिया। ये एक गौरव की बात है, यानी भारत के ऐसा ही ऐसा देश होगा, शायद ही कोई आपको ऐसा देश मिले जिन्होंने इतनी प्रगति की हुई। आज उत्तर प्रदेश का $1 ट्रिलियन हो गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो है भारत संविधान, आप जानते हैं कि जो है जब बन के तैयार हुआ था तो भीमराव अम्बेडकर का अगर नाम ना लिया जाए तो सबसे कमी मानी जाती है। भीमराव अम्बेडकर, इनके आप जानते हैं हु आज सुद्रा, इन्हेलेशन ऑफ कास्ट, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस, और ये संविधान सभा यानी संविधान के जनक और जननी माने जाते हैं। आपने राजेंद्र प्रसाद का नाम सुना होगा, राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के जीरादेही गांव के रहने वाले थे, वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो पूरी तन्मयता से उन्होंने जो है भारतीय संविधान में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम अगर लिया जाए तो ये कम नहीं है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 562 रियासतों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया, और ये जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। आज आप अगर देखा जाए खंडों को मिलाकर तो 25 भाग हो गए और अनुच्छेदों की संख्या भी वृद्धि हो गई 450 तक, लेकिन मूल संविधान में कहा जाए कुल अनुच्छेद तो 395 है। आज जो है अनुसूचियों की संख्या 12 पहुँच, व्यवस्था हो, मुगल काल की व्यवस्था हो, आधुनिक काल की व्यवस्था हो, इन सब का जो है एक सार, संक्षिप्त सार गर्भित रूप से सम्मिलित हुआ है। यानी आपने देखा होगा तो एक अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये हमारे संविधान में है।
आपने नाम सुना होगा दक्षिणी भारत का, वहाँ की जो मंदिरें हैं वो, आपने कौरव पांडव इनका नाम सुना होगा, मथुरा वृंदावन का नाम सुना होगा, इन सब चित्रों इनके यहाँ के हैं। आपने जो है पश्चिमी बंगाल में नाम सुना होगा, आपने देखा होगा कि भारतीय संविधान को जो है प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा ने लिखा है, हिंदी में बसंत कृष्ण वैद्य का नाम सुना होगा, यानी आपने नाम सुना होगा बसंत कृष्ण वैद्य का नाम सुना होगा, राम मनोहर बिरूर का, इन्होंने एक एक चित्र को जो है लाकर सजीवता दिया है। ये चित्र आज वही है, आपकी प्रस्तावना राम मनोहर बिरूर उनके द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि एक संविधान को किस आकार से किस तरह से अलंकृत किया जा रहा है, साज सज्जा किया जा रहा है। आपने महाराष्ट्र का नाम सुने होंगे, अजंता एलोरा की गुफा, ये सारी चीज़ें आपके संविधान में अंकित है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इन चीज़ों को भी आप गौर करिए, ये किसी भी संविधान में आपको नहीं मिला। हालांकि अभी हमने कहा कि भारत जब से आज़ाद हुआ तब से लगातार प्रगति कर रहा है, मैंने अभी कोरोना का भी नाम लिया था, हमने जो है सड़क के क्षेत्र में देखा कि काफ़ी प्रगति हुई है, आपने रेलवे देखिए कितना आगे अब जा रहा है, हर क्षेत्र में भारत डेवलप कर रहा है। यहीं पे मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद। क्या बात।